अस्सलाम वालेकुम। आजकल व्यूअर्स जो भी वीडियोस आपकी साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं, हमारे क्लिनिक से जितनी भी जा रही हैं, वो हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी हेयर के हवाले से, हेयर लॉस के हवाले से और बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से जा रही हैं। उसमें आपकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ के आंसर भी हम लोग कर रहे हैं और जो हम लोग जो सर्जरीज कर रहे हैं उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं या हमें आपके अंदर नज़र आ रहे होते हैं, हम उनके ऊपर जो है वो वीडियोज़ करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, शुगर पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको गाइडलाइन ये देना चाहती हूँ कि हर पेशेंट को ये चाहिए, हर क्लाइंट को ये चाहिए कि जब वो डॉक्टर के पास आए कंसल्टेशन कराने या जस्ट वो अपनी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जब आप लोग स्टार्ट में आते हैं, तब भी जो भी चीज़ आपको आपका डॉक्टर समझा रहा है, एक तो गौर से सुन लीजिए और इसको फॉलो कर लीजिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेगस कॉस्मेटिक से ही सर्जरी करवा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे भी आप जा रहे हैं, चाहे आप वेगस पे आ रहे हैं, और हम जब आपको एज ए डॉक्टर अपने एक्सपर्ट होने के नाते से आपको जो भी आपको गाइडलाइन दे रहे हैं आप उसको काइंडली फॉलो कर लीजिए, जिसमें आपका फ़ायदा है। अच्छा, अब जब हम सर्जरी कर लेते हैं उसके बाद तो आपके ऊपर एक तरीके से फ़र्ज़ हो जाता है कि आपने 3-4 दिन एटलीस्ट या बाद में भी, जब तक कि आपके बालों की ग्रोथ हो नहीं जाती, आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, आपका डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, आप हमें फॉलो करें। हम लोग इसीलिए अपना व्हाट्सएप पे भी, आप अगर दूर रिमोट एरिया से आए होते हैं या समटाइम्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज आए होते हैं, तो हम उनको व्हाट्सएप पे फॉलो कर रहे होते हैं पूरा साल, एक साल से डेढ़ साल, इवन समटाइम्स 2 ईयर्स तक हम लोगों को फॉलो करते हैं, अनटिल एंड अनलेस के उनके बालों की फुल ग्रोथ ना हो जाए। सो कीप इन माइंड कि आपने डॉक्टर को फॉलो करना है, डॉक्टर को फॉलो करना है तब जाके आपके बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। ये एक म्यूचुअल सी अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन यू एंड डॉक्टर, आपको वो करना है जो डॉक्टर ने समझाया, डॉक्टर को वो करना है जो आपके लिए बेस्ट लग रहा है, तब जाके आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, हेयर ट्रांसप्लांट हो या हमारी और कॉस्मेटिक्स में, जैसे हम लोग हाइड्रोफेशियल वगैरह करते हैं तो हम आपको कुछ होम रेमेडीज़ भी दे रहे होते हैं, ठीक है, लेज़र हेयर रिमूवल्स करें, बहुत सारी फिर हमारे एस्थेटिक्स में आ जाती हैं, तो आप प्लीज़ फॉलो करें। शुगर पेशेंट को मैं बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आज ये बता रही हूँ कि जब आप हमारे पास आते हैं तो पहले तो हम आपका शुगर चेक कर लेते हैं कि कितनी कंट्रोल है, आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, फिर HbA1c जो हम करवाते हैं टेस्ट, उससे ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि पिछले 3 महीनों में आपकी शुगर कंट्रोल रही है कि नहीं रही है। सो क्योंकि समटाइम पेशेंट छुपा रहे होते हैं, पेशेंट हमसे गलत बात कर रहे होते हैं कि मेरी तो कंट्रोल है, मैं तो गोली खा रहा हूँ, हालाँकि वो नहीं ले रहे होते। फिर एट द एंड क्या होता है कि डॉक्टर भी प्रॉब्लम में जाता है और पेशेंट तो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो पेशेंट सफ़र नहीं कर रहे, मतलब जिनको शुगर नहीं है, जब हम उनको सुन करने के लिए जो एनेस्थीजिया देते हैं और जो पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मैं पहले भी बार बार जिक्र कर चुकी हूँ, जिसमें हम अपनी लैंग्वेज में ट्यूमेसिन कहते हैं, उसमें हम काफ़ी सारे इंजेक्शन डालते हैं जिनके हर इंजेक्शन का एक फ़ायदा है। इंजेक्शन डालने से पहले हम पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री ले लेते हैं एज ए डॉक्टर, और लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम क्वेकरी में के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, जिसको हम जिसमें हम आपको गलत मिसगाइड करें, फिर हम डॉक्टर नहीं हैं। अच्छा, अब अगर हमें पता है कि इस पेशेंट को शुगर नहीं है तो हम कुछ खास किस्म के इंजेक्शन है जो उस पानी में डाल देते हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि इस पेशेंट को शुगर है तो उनमें से एक इंजेक्शन जिसको हम आम जबान में स्टीरॉयड्स, आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, और ट्राइएम्सिनोलोन हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हम फिर उसको इंजेक्ट उस पानी में डालते नहीं, यानी हम उसके हेड में नहीं देंगे स्टीरॉयड। स्टीरॉयड क्यों दिए जाते हैं, स्टीरॉयड का क्या फ़ायदा? उसका एक बेसिक फ़ायदा ये कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि आपकी सूजन को, पेन को आसान जबान में इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो स्वेलिंग्स हैं, पफीनेस है, उस सब चीज़ों को रोक लेता है। अब आप सपो ये सोच लीजिए कि जब आपको शुगर होगी तो हम वो इंजेक्शन आपको नहीं देंगे, तो जब हम आपको नहीं देंगे तो फिर आपको पफीनेस यानी कि स्वेलिंग भी आएगी फेस के ऊपर, आँखों के ऊपर, और आपको पेन भी फील होगा आपके जहाँ पर डोनर एरिया, उसके अंदर जहाँ से के बाल लिए गए हैं। तो उसकी एहतियात मैं आपको बता देती हूँ कि शुगर के पेशेंट अगर आप हैं और बाल लगवाना चाहते हैं तो आप अपना 1 हफ्ते का बकायदा रिकॉर्ड लेके पहले ही पेशेंट के पास, डॉक्टर के पास, आई एम सॉरी डॉक्टर के पास जब आएँ, आप अपना पूरा रिकॉर्ड लेके आएँ कि मेरी शुगर कंट्रोल है, मैं ये वाली मेडिसिन खा रहा हूँ, और हो सके तो जो डॉक्टर आपका फिजिशियन है, जो कि आपका शुगर का ट्रीटमेंट कर रहा है, उससे एक दफ़ा मिलकर आएँ, कंसल्टेशन लेकर आएँ। पहली तो मेरी ये एडवाइस है। दूसरी एडवाइस है, आपको बहुत ज़्यादा जब आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत है,
होता है, उसमें सारा मीठा आपका बंद होता है, आपके कार्ब्स बंद होते हैं, जैसे आपको चावल वगैरह और हर वो चीज़ जो शुगर को इंक्रीज़ करी, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रही, वो भी आपको बंद करनी होती है। सो आपको वो भी एहतियात करनी है। आप कभी कह देते हैं हमने थोड़ा सा, जैसे आजकल मैंगो का सीज़न है, बहुत सारे क्लाइंट्स आके कहते हैं हमने मैंगोज बहुत ज़्यादा खा लिए। आपने तो मैंगो खा लिए, लेकिन आपने अपने लिए और डॉक्टर के लिए कितना प्रॉब्लम कर लिया, ये आपने सोचा नहीं। सो मीठा स्टॉप करना है, कार्ब्स स्टॉप करने हैं, आपने अपना शुगर को रेगुलर करके आना है, मेडिसिन खा के आनी है, उस दिन भी खानी है, वो भी डॉक्टर आपको बताएगा। अब सर्जरी हो गई है तो आप दो बातें जहन में रख लीजिए, एक हमने स्टेरॉइड नहीं दिया है तो आपके फेस के ऊपर स्वेलिंग ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी, आंखें सूज जाएंगी, मुंह सूज जाएगा, कि ये अब हर क्लाइंट टू क्लाइंट डिफरेंट करता है, किसी को कम आएगी सूजन, किसी को ज़्यादा आएगी, बट आएगी। दूसरा, आपको पेन आम लोगों से ज़्यादा फील होगा। क्यों फील होगा? एक तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं, मैं अभी आसान ज़बान में बता देती हूँ, जो लोग शुगर के मरीज़ होते हैं उनकी नर्व्स, नसें जो होती हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुकी होती हैं, तो फिर उनको पेन की सेंसेशन समटाइम्स कुछ को नहीं फील हो रही होती, तो कुछ को फील भी हो रही होती है, तो आपको पेन होगा तो ये भी नॉर्मल है। अगर आपको पफिनेस आ गई है वो भी नॉर्मल है। जब आप घर जाने लगते हैं आपका डॉक्टर आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड करके भेजता है, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी आपको क्वेरीज हो रही होती हैं आप फ़ौरन डॉक्टर से उसी वक्त कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे इमरजेंसी नंबर भी होते हैं और वेबसाइट नॉर्मल नंबर्स भी होते हैं, और अगर आप इस्लामाबाद की विसिनिटी में आप फ़ौरन आके डॉक्टर को कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो मेरा मकसद कहने का यह है कि शुगर पेशेंट थोड़ा सा अपनी केयर कर लें। सेकेंडली, हम आपको एडवाइस करते हैं आप स्मोकिंग नहीं करें, तो वो आपके लिए, आम बंदे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन शुगर के मरीज़ को तो नहीं करनी है। फिर हम कह रहे होते हैं कि वॉक करें, तो आप वॉक करें, इसको मजाक मत लीजिए, आप आधे घंटे एक घंटे की रनिंग करके करें, ताकि आपकी शुगर कंट्रोल हो, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन आपके सर में और पूरे जिस्म में बढ़ जाए। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि खून जिस जिस जगह पे जाएगा, वो खून की वैल्यू नहीं होती एक्चुअली, वो जो आप ग़िज़ा खाते हो या आपके अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो भी ताकत की चीज़ें जो आप अपनी ग़िज़ा से लेते हो, वो ब्लड के ही ज़रिए हमारे पूरे बॉडी में पहुंच रही होती हैं, और कोई ज़रिया नहीं होता। यानी अगर मैंने अभी कुछ खाना खाया है तो खाना इज़ नथिंग, खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो ब्लड के ज़रिए मेरी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचेंगे तो मुझे फ़ायदा देंगे। इससे ज़्यादा आसान ज़बान में यूज़ नहीं कर सकती, बट ये है। सो वॉक करना है, डायबिटिक पेशेंट को डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, गोलियां खानी हैं, मीठे को परहेज़ करना है, और ख़ास तौर पे जब आप सर्जरी करवा लेते हैं, अब आप बाउंड हो गए हैं डॉक्टर के साथ, अब आपको वही करना है जो डॉक्टर कह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी है। एटलीस्ट वन एंड हाफ ईयर, जिस दिन आप बाल लगाते हैं उससे लेके अगले डेढ़ साल तक आप डॉक्टर के साथ बाउंड है, तब जाके आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। और आप देखिएगा, आप प्लीज़ कभी फॉलो करके देखिएगा हमारी रेजिम को, या हर वो उस डॉक्टर की जो कि क्वालिफाइड अच्छा डॉक्टर, उसकी रेजिमेन को कभी आप फॉलो करके देखिए। डायबिटिक पेशेंट बाल लगाने के बाद सिर्फ ये नहीं कहता कि हमारे बाल अच्छे हो गए अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं या बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया है, वो कहता है मेरी सेहत में 50%, किसी को 60%, किसी को 70% बेटर फील होने लगता है, वो एक्टिव हो जाता है, वो हेल्दी हो जाता है। हेल्दी का मतलब मेरा नहीं है कि ओबीज हो जाता है, एक्टिव वाइज फिज़िकली हेल्दी हो जाता है, वो जो उसकी बॉडी सुन हो रही होती है या नर्व्स कमज़ोर हो रही होती हैं या टांगों में दर्द हो रहा होता है, वॉट एवर जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, उसकी स्किन बहुत बेटर हो जाती है। सो मैंने बहुत डिटेल में आपको डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशंस या स्टीरॉयड ना देने के फ़ायदे और ना दे, अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर उसका जो पफिनेस है उसका हल, और हाँ अगर आपको पेन होगा या स्वेलिंग होगी उसका हल भी डॉक्टर आपको बताएगा। सो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में हर चीज़ समराइज्ड कर दी। अभी भी आपके क्वेश्चंस हों तो आप हमसे दोबारा हमारी वेबसाइट पे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।